सो वेलकम टू दिस एपिसोड बदमी आर्शियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए पी जे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारका के बारे में राइट आई थिंक मैंने बहुत सारे कॉलेज एन सी आर में रिव्यू किए हैं और आपकी लिस्ट में भी कहीं ना कहीं वो कॉलेजेस रहते हैं भले हम वो लेट्स बात करें एफ आई आई बी की या फिर द्वारका की या फिर जिम्स रोहिणी की हमें दर सो मेनी ऑप्शन ऑल इन ऑल बट वी ऑलवेज हैव दस वन कन्फ्यूजन क्या ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और उसी का जवाब आपको मिलेगा तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें बाकी लेट्स गेट्स के

दो एकड़ में कैंपस है टू थर्टी सेवन इन्होंने सीट इनटेक लिख रखा है बट आई हैव इंट्रैक्ट विद स्टूडेंट्स उनका कहना है कि जिस स्टूडेंट से मैं बात करी थी जो सेकेंड ईयर उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही इस इधर हमारे बैच में सिक्सटी स्टूडेंट्स है राइट माई कैन बी फॉर कोविड बट जो अभी जूनियर बैच है उसमें भी नियर अबाउट अंडर हंड्रेड के अंदर ही स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं सो दैट इज बेसिकली वी हाईलाइट these are the international linkage right when it comes to the college to universities like france usa and uh, you know ispe bahut discussion hua that is the reason i'm not going to elaborate much but talking about the programs offered pjdm karate marketing finance operation hrk under अगर हम प्रोग्राम इनटेक की बात करें तो 180 एट्टी पी का है राइट right? एंड उसके बाद अगर हम देखें तो यू नो दिस इज़ फॉर सम कैटेगरी 27 सेवन सीट्स हैं बट दो वट एवर द इनटेक इज जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ अंडर 100 जो कि बैच है अब इस साल कितना होता है दैट इज समथिंग वट वी नीड टू सी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लाइक ऑल दी कॉलेजेस के एट एट सी मैट एन मार्ट किसी के बेसिस पे भी नहीं एन मैट नहीं ट जैट सी मैट मैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं देन यू गो फॉर दिस इंटरव्यू प्रोसेस और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है मैं अगेन आपको कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ आप जब भी दस लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बीस लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पंद्रह लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोफाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अगेन क्या आपका थाट प्रोसेस है आप की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कॉलेजेस आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करते हैं तो आपकी जो भी लिस्ट में कॉलेजेस हैं आप प्रॉपरली रिसर्च कीजिए आप जाइए स्टूडेंट से बात कीजिए देन डिसाइड करिए कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं अब दिस इज बेसिकली एडमिशन प्रोसेस जहाँ पे की पी ए टी विच पर्सन पर्सनैलिटी थर्टी फाइव परसेंट कॉमन एंट्रेंस देन प्रीवियस एजुकेशन बट ऑल इन ऑल यू नो एडमिशन हो जाता है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया इसमें डाइवर्सिटी को भी उन्होंने फिफ्टीन परसेंट का वेटेज है ऐसे टोटल हंड्रेड परसेंट का वेटेज है नॉट टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर कैसा लगा रिश्ता आपको है लाखों में एक है ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एकदम सही कहा पंडित जी हमें रिश्ता मंजूर है आ, अरे बेटा बेटे बेटे क्या देख छोरू गुप्ता जी सुसो तो तुम्हारे लपकलो नपकलो <laughs> नहीं आपके साथ तो ये नहीं बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज गेट रियलिटी ऑफ इट स्टूडेंट खबरी हर कॉलेज की खबर तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एट लाख फिफ्टी मेंशन कर रखा है बट विद द स्टूडेंट विद हुम आई वाज इंटरेक्टिंग ही सेड दैट टोटल जो है वो नाइन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है कॉलेज के कैंपस के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है आपके पास पी जी हॉस्टल्स के ऑप्शन रहते हैं जहाँ पे ऑल एंड ऑल आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो दस से पंद्रह हजार के आसपास जो है वो जाता है तो कहीं ना कहीं अगर हम नौ लाख तीस या नौ लाख भी ले लें प्लस दो लाख ले लें तो बारह साढ़े लाख का इन्वेस्टमेंट है वन इट कम्स टू टू ईयर ऑफ योर पी जी दिस इज़ बेसिकली कैम्पस लाइफ एम एंड यू कैन हैव अ लुक ऑल दीज थिंग्स राइट कि दिस इज़ कैंपस लाइफ नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो मेरी जो स्टूडेंट से बात हो रही थी उसका यह कहना था प्लेसमेंट तो है राइट विच इज़ देयर अभी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ऑलमोस्ट बारह पंद्रह बच्चे हैं जो अभी भी प्लेस होना बचे हैं स्पेशलाइजेशन जैसे हमने देखी थी मार्किटिंग भी है फिनेस भी है ऑपरेशन भी है चार है बट ज़्यादातर जो प्रोफाइल्स हैं वो मार्किटिंग की आती हैं फिनेंस की आती हैं इन जनरल एवरेज जो है वह सात लाख के आसपास का है बट स्टूडेंट का यह कहना था ज़्यादातर हमारे यहाँ बैंक साथ

राइट right? अगर यू नो रिसर्च प्रोफाइल है तो पांच लाख का पैकेज देती है राइट हाईएस्ट पैकेज जो है वो नाइन पॉइंट फाइव का है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एज पर स्टूडेंट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और ये नाइन पॉइंट फाइव का पैकेज जो है वो टाटा कैपिटल में गया है आई थिंक मैंने कितना परसेंट प्लेसमेंट है वो भी बता दिया है um, कंपनीज में ज्यादातर बैंक आते हैं डिलॉयड भी आती है एंड डिलॉयड जो है वो टैक्स कंसल्टेंट बट उसके अलावा ही मैंने आज दिस क्वेश्चन कि आपको ये कॉलेज आप अपनी फ्रेंड को या कलीग को या फिर कोई इफ योर ब्रदर इज कमिंग टू यू सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे तो ही मैंशन की इस फीस में राइट right, आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं मैंने बोला कि आप कह रहे हो कि एवरेज पैकेज सही है कॉलेज का राइट एंड आई थिंक सारी चीज़ें सही हैं तो फिर प्रॉब्लम व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद द कॉलेज तो ही सेट द वैरायटी ऑफ कंपनीज विच कम फॉर द प्लेसमेंट बिकॉज जहाँ पे कॉलेज उसके आस और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और ऑल एंड ऑल जैसे ही ऑल्सो ही हैज़ अ लोड ऑफ़ फ्रेंड्स जो कि फर्स्ट टाइम में भी हैं इंडिया में भी हैं जिम्स रोहिणी में भी हैं राइट right? तो कहीं ना कहीं मोर एंड लेस कॉलेजेस सेम हैं बट उनमें से कुछ कॉलेजेस में यू नो प्रोफाइल जैसे गोदरेज भी आती है एशियन पेंट्स भी आती है वैरायटी ऑफ कंपनीज हैं बट अगर आप जैसे जिम्स रोहिनी में देखोगे या फिर यहाँ देखोगे तो बैंक्स की प्रोफाइल कहीं ना कहीं ज्यादा है वो एक यू नो ड्रॉबैक है और बाकी आई थिंक अगर आप आर भी देखोगे तो जिस तरह का फीस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के एवरेज पैकेज जो हैं वो सात आठ लाख के बीच के हैं या सात लाख के हैं तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम आई थिंक आई टॉक अबाउट दी फी स्ट्रक्चर आई टॉक अबाउट दी यू नो हॉस्टल फेसिलिटी इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है पेड अनपेड ज्यादातर इंटर्नशिप है कॉलेज ने जो हाइएस्ट इंटरनेशनल मैंशन किया वो सेवनटीन पॉइंट फाइव का है हाई डोमेस्टिक 12.43 पॉइंट फोर थ्री है बट एज आई टोल्ड यू यू नो एज पर स्टूडेंट्स इट वॉज नाइन पॉइंट फाइव बाई टाटा कैपिटल मैं ट्वेंट पॉइंट थ्री की बात करी हूँ और एवरेज आई थिंक ये काफी पुराने हैं क्योंकि जो स्टूडेंट ने मुझे एवरेज बताया वो ज़्यादा बताया इट वॉज नियर अबाउट सेवन लैक के आसपास एंड दीज आदी रिक्रूटर्स जहाँ पे स्टूडेंट है ज्यादातर बैंक आते हैं प्रोफाइल कॉल्ड रिलेशनशिप मैनेजर या पर्सनल मैनेजर यागर डिलोइड आ रही है तो इट्स हाइरिंग फॉर दी प्रोफाइल कंसल्टन नो ऑल दिस थिंग्स तो थोड़ा सा यू नो डाइवर्सिफाई है और एक और चीज़ की वेन आई आज दिस क्वेश्चन की कितना सीट इनते स्टूडेंट मैं वन एट्टी है मैंने बोला देन वाई ओनली सिक्सटी स्टूडेंट्स तो ही सेड कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है दे नॉट एबल टू फिल दी सीट्स सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वट देंशन सो ऑल इन ऑल आई थिंक दैट्स वेडी मच अबाउट दी कॉलेज जिस स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है मैरिट बेसिस पे आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो स्कॉलरशिप है दैट इज बेस्ड ऑन योर कैट योर जैट राइट उस पर्सन टाइल की बेसिस पे है एंड आई थिंक मैंने जितने स्टूडेंट से बात की उनमें से एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिली थी तो उसको फीस कम पड़ रही थी तो आप उसको भी अपील कर सकते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड पर वही बात है कि आप इस बजट में इस प्रोफाइल पे क्या इससे बेहतर ऑप्शन है है तो कौन से हैं राइट right? और यू you नो know, मुझे मेरी प्रोफाइल के हिसाब से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसको जानने के लिए नीचे फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर लिंक इन पे स्टूडेंट्स को रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते है। तो और मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर सच कीप चैनल एंड डू नॉट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब